हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस एम एस केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम का ठीक है देखिए इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम ठीक है ये सिलेबस होगा मोस्टली जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इन हरियाणा उनके लिए वैसे ये सी पी एल्यू मैंने गूगल से नोट किया था अब देखिए फर्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है फर्स्ट चैप्टर टोटल आपके चार चैप्टर है, हैं चार यूनिट दे रखी हैं फर्स्ट आपका है ग्रुप थ्योरी देखो ग्रुप थ्योरी में क्या दे रखा है कुछ समेट्री एलिमेंट पढ़ने हैं हमें सिमेट्री ऑपरेशन प्योर रोटेशन जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन इम प्रॉपर है रोटेशन रिफ्लेक्शन रोटेशन इनवर्सन पॉइंट मेट्री ग्रुप कुछ सिंबल्स हमें है पढ़ने हैं ये ऑल थिंग्स आप ये सिलेबस देख सकते हैं यहाँ से या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक है डेरीवेशन करना है हमें डिफरेंट टाइप अब देखिए सेकेंड यूनिट क्या है हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है या बॉन्डिंग देखो जो एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस है ना कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो हमने एमएससी में पढ़े हैं एंड जैसे ग्रुप थ्योरी है ये टॉपिक हमारा बीएससी में नहीं आता इसको हम एम में पढ़ते हैं डिटेल से तो कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं कुछ बीएससी के भी टॉपिक हैं उनका ही थोड़ी एडवांस में आ जाते हैं अब देखिए स्टीरो वेस्ट पर थोड़ी ये हमने पढ़ चुके हैं वैसे वेस्ट पर थोड़ी पढ़नी है डी पाई पी पाई वॉनिंग बैंड रूल है कुछ एनर्जेटिक्स ऑफ हाइपराइजेशन पढ़ना है एंड देन देखो इसमें है मेटल लाइ इक्विलिब्रियम इन सोल्यूशन के अंदर इसमें हमने देखो ये बी में आता है वैसे आपका स्टेप वाइज और ओवरल टू टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं उनकी स्टेबिलिटीज़ कॉन्स्टेंट वगैरह एंड इसके कुछ आगे देख के फैक्टर फैक्टिंग क्या होती है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस को विद रेफरेंस दे रखा है नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड एंड ये इरविंग विलियम सीरीज हम पढ़ते हैं चीलेटी फैक्टर एंड इट्स थर्मोडानिक औरजन ये आपके सेकंड यूनिट है एंड देखिए थर्ड क्या आपके मेटल लिगेंड बॉन्डिंग मेटल और लिगेंड के बॉन्ड बीच में बॉन्डिंग हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये हमारा बी एस सी के सेलेबस भी आती है अब इसमें हमें पढ़ना है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हम वैसे बी एस सी में आपकी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर तक रहती है इसमें आपको स्क्वायर एंड डिप्रे की भी पढ़नी है देख सकते हैं आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसके लिमिटेशंस एंड ये हमें पढ़ना है कुछ इफेक्ट क्या होंगे डी ऑर्बिटल डिस्प्लेटिंग टेट ऑक्टाइटल में स्क्वेयर प्लेनर अब देखिए नेक्स्ट क्या आपका स्क्वेयर पिरामिडल है एंड ट्राइगोनल बाई पेमेटल कॉम्प्लेक्स इनमें भी आपको स्प्लेटिंग पढ़नी है एंड जोन डिस्टोरेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देखनी है आपको ओक्टाइटल में टेटराइटल एंड स्केयर प्लेनर ठीक है इनका पढ़ना आपको विद और विदाउट पाई बॉन्डिंग ये आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस है मेन टॉपिक मेंशन है एंड यूनिट फोर्थ के आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म उसमें आपको टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़नी है इनर्ट और लेबाइल काइनेटिक अपलीकेशन वैलेंस बॉन्ड एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज की काइनेटिक्स ऑफ ओक्टाइडल सब्सिट्यूशन देखना आपको एसिड हाइडलाइसिस उसके फैक्टर अफेक्टिंग देखने हैं बेस का हाइडलाइसिस कंजुकेट बेस मैकेनिज्म देखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ कंजुकेट मैकेनिज्म एंड ये कुछ लीगेंट बोन क्लीवेज दे रखे हैं ये आपकी टोटल फोर यूनिट थी ये आपका एम एस सी केमेस्ट्री फर्स्ट ईयर का सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होगी उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे एंड लैब में भी देखेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करनी है ठीक है ये कुछ रेफरेंस बुक देख सकते हैं आप कि हुई है जैसे जे केटर है कॉटन ग्रीन वोड कुछ एंड ये आप देख सकते हैं अच्छी बुक है वैसे इनऑर्गेनिक के लिए अब देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होगा अब हमें पता है कि अभी तक हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी ओपन नहीं हुई हैं तो ऑनलाइन ही क्लासेज हैं तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना यूट्यूब पे या वैसे ही, बुक से रेफरेंस लेके आप पढ़ सकते हैं आपको ये सिलेबस पढ़ना है तो इस आपको आइडिया हो गया जाएगा कि एम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का हमारा क्या सिलेबस है इसमें ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं आई होप आपको समझ आया होगा डिस्कशन अच्छा लगा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल